हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। जैसा कि दोस्तों मैं लास्ट सेशन में आप लोगों को नंबर सीरीज़ का पूरा कंसेप्ट प्लस उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा चुका हूं, और आज हम लोग नेक्स्ट सेशन प्रैक्टिस में करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को एमसीए एंट्रेंस जितने भी होते हैं उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं नंबर सीरीज से रिलेटेड, वो मैं टोटल आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा आइडिया मिल जाए कि जो एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप लोगों का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है। और उसके साथ साथ आप लोग देखेंगे तो कितने ईयर में आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। तो यदि आप लोगों के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाएंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट पैटर्न दिख जाएंगे और आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों का जो प्रैक्टिस होता है वो भी हो जाएगा। तो आप लोग सेशन को मेरे लास्ट दिन तक देखते रहिए ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व होता जाए। तो चलिए आज का हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आईसीईटी एमसीए एग्जाम जो हुआ था 2005 का, उसमें आया हुआ है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक 9 है, फिर 19 है, फिर 40 है, और यहाँ पे बताना है कि इस पे कौन सा नंबर आएगा, और नेक्स्ट है 170। तो मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, तब तक आप लोग इसमें पैटर्न ढूंढिए कि कौन सा पैटर्न इसमें लग रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये 9 था और ये 19 हो गया, फिर 19 से ये 40 हो गया, मीन्स कि नंबर बड़े होते जा रहे हैं, ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, मतलब 2 टाइम से भी ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख गया होगा कि ये नंबर बड़े हो रहे हैं तो इसमें कौन सी सीरीज लगी हुई है, तो मल्टीप्लाई की सीरीज लगी हुई है। तो आप लोग 9 से 19 जाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इंटू 2 और +1 करेंगे तो आप लोगों का 19 आ जाएगा, 9 2 जा 18 +1 19 हो जाएगा। उसी तरह आप लोग इंटू 2 अब +2 करेंगे तो आप लोगों का 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का कितना होगा, इंटू 2 होगा और प्लस आप लोगों का कितना होगा, 3 होगा, तो 42 जा कितना हो जाएगा, 80, और 80 और 3 कितना हो जाएगा, 83, और 83 इंटू 2 करेंगे और प्लस आप लोग 4 करेंगे तो 83 2 जा कितना हो जाएगा आप लोगों का, 166 हो जाएगा, और प्लस आप लोग 4 करेंगे तो 170 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आप लोग 83 वैल्यू रख रहे हैं पैटर्न के माध्यम से, तो आप लोगों की ये भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो आप लोगों का यहाँ जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो एमसीए इंट्रेंस होते हैं उनमें डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आईसीईटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है 165, नेक्स्ट दिया है 195, और यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों को नंबर बताना है कि कौन सा आएगा, और अगला दिया हुआ है 285, और अगला दिया हुआ है 345। अब आप लोग इसमें कोई पैटर्न ढूंढिए कि कौन सा पैटर्न इस पे रन कर रहा है। देखिए, जब भी आप लोगों को पैटर्न नहीं समझ में आता है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो आप लोग सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल दीजिए। तो देखिए, इन दोनों का आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये 0 और ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 30। तो मीन्स कि 165 में आप लोग +30 करेंगे तो डेट नंबर आएगा। उसी तरह आप लोग 285 में क्या ऐड करेंगे कि ये नंबर आएगा, तो आप लोग देखेंगे ये 0 हो जाएगा और ये आप लोगों का 6, मीन्स कि आप लोग 60 ऐड करेंगे तो 345 नंबर आ जाएगा। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ जो नंबर है उसमें कितना ऐड होना चाहिए, यहाँ पे +30 है तो यहाँ पे +40 होना चाहिए, और ये नंबर और इन नंबर का डिफरेंस जो है वो कितना हो जाना चाहिए, +50 ऐड करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। मीन्स कि 195 में आप लोग 40 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आप लोगों का 5 हो गया और ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, मीन्स कि 235 हो गया। अब आप लोग 235 में 50 ऐड करेंगे तो 285 हो जाएगा,
285 में 60 ऐड करेंगे तो 345 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 235। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार जितने भी पैटर्न है उसको एनालाइज किया हूँ। अब चलिए अगला भी जो क्वेश्चन है वो भी ICT 2005 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 30, फिर दिया हुआ है 29, और आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। इसके बाद दिया हुआ है 125, इसके बाद दिया हुआ है 253। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पैटर्न हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा इसको पैटर्न समझ के बताइए कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो आप लोग देखिए 13 में आप लोग क्या करिए कि 2 टाइम्स करिए तो कितना हो जाएगा, 26, और इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो आप लोगों का 29 आ जाएगा। आप देखिए 125 में आप लोग क्या करिए कि इसका 2 टाइम्स करिए और इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो 253 आ जाएगा। मीन्स कि 29 जो है इसमें भी आप लोग 2 टाइम्स करेंगे और प्लस 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है वो आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि 29 टू जा कितना होता है, 58, और 58 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना, सॉरी 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब आप लोग 61 का 2 टाइम्स करेंगे और उसमें 1 को ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं कि जो हम लोगों का नंबर है वो कितना आया हुआ है, 61 आया हुआ है, और ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें 61 दिया है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये पुणे जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था 2007 में, उसमें आया हुआ है, और क्वेश्चन है हम लोगों का 2, 5, फिर 10 है, फिर आप लोगों का 17 है, फिर 28 है, और फिर आप लोगों का 41 है, और लास्ट में बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप लोग इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए कि कौन सा पैटर्न इसमें लग रहा है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगाया जाए। बट आप लोग इसमें क्या करिए कि यहाँ पे आप लोग सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देखिए। तो इन दोनों का आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो प्लस 3 है, 2 में प्लस 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में प्लस 5 करेंगे तो आप लोगों का 10 हो जाएगा, 10 में प्लस 7 करेंगे तो आप लोगों का 17 हो जाएगा, और 17 में आप लोग प्लस 11 करेंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 में प्लस आप लोग 13 करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर है वो कितना ऐड करें कि यहाँ का जो नंबर है वो आ जाए। तो आप लोग देखेंगे 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर हैं। तो अगला प्राइम नंबर जो है ये कितना आएगा, प्लस 17 आएगा, क्योंकि 15 तो आएगा नहीं, 15 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो आप लोगों का जो 41 है उसमें 17 को ऐड करेंगे तो यहाँ का जो नंबर है वो आ जाएगा। तो यहाँ का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए है उसमें 58 है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो जामिया का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है 122, 197, 290 आप लोगों के पास है, और लास्ट में बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है। तो आप लोग पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं, तो आप लोग पैटर्न को वीडियो पूछ करके एनालाइज भी कर सकते हैं कि कौन सा इसमें पैटर्न एनालाइज हो रहा है। अब चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पे 122 दिया हुआ है, और यहाँ पे आप लोगों का 197 और 290 दिया हुआ है। मीन्स कि देखिए यहाँ पे नंबर तो बढ़ता जा रहा है, बट ना तो यहाँ पे आप लोग स्क्वायर कोई सीरीज लगा सकते हैं, ना तो क्यूब वाली, ना तो आप लोग कोई मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि ये नंबर आ रहा है, कुछ भी यहाँ पे एनालाइज नहीं हो रहा है। तो आप लोग सिंपली पहले इन सब का डिफरेंस निकाल के देखिए। तो देखिए 122 में आप लोग कितना ऐड करेंगे, 75 को ऐड करेंगे तो 197 आ जाएगा। अब 197 में आप लोग ये 3 और यहाँ से आप लोगों का कितना हो जाएगा, 3 और ये आप लोगों का 18, यहाँ पे कितना हो गया, 93 हो गया।
तो देखिए 197 में आप लोग जब 93 को ऐड करेंगे तो आप लोगों का 290 आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो आप लोग करिए क्या कि 75 का और 93 का आप लोग सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। तो इसका डिफरेंस कितना है, प्लस 18 का है। तो आप लोगों को कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है कि जब इन दोनों का 18 का डिफरेंस है तो यहाँ का नंबर और यहाँ पे जो नंबर अभी डिफरेंस वाला, इसका और इन दोनों का डिफरेंस जो यहाँ पे नंबर आने वाला है, ये भी डिफरेंस वाला नंबर आएगा। तो उनका डिफरेंस जो है वो कितने का होगा, प्लस 18 का होगा। तो आप लोग 93 में प्लस 18 करेंगे तो ये आप लोगों का 1 हो जाएगा और ये आप लोगों का 1 हो जाएगा। मीन्स कि 111 जो नंबर है वो डिफरेंस आएगा इस नंबर का और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस 111 आने वाला है। तो मीन्स ये है कि 290 में आप लोग 111 को ऐड करेंगे तो जो नंबर है वो आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 910 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4। तो 401 मीन्स कि जो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पैटर्न में, ये जो डबल डिफरेंस का पैटर्न था उसको मैंने कैसे एनालाइज किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये 4-3 ही नंबर थे तो उसमें प्लस 18 वाला जो हम लोगों का सीरीज है वो लगाना थोड़ा सा अच्छा नहीं पड़ेगा। बट जो नंबर है और जो मैं आप लोगों के लिए से पैटर्न लगा के दिखाया हूँ वो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आप लोग चाहे तो सीरीज लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है वो 3 ही दिए थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये वाला पैटर्न लगाना थोड़ा सा कम था, बट जो है ये अच्छी सीरीज है, आप लगा भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 75 से ये 18 ऐड हुआ है तो 18 से इसको ऐड करके इन दोनों में ऐड कर दीजिए तो ये भी आप लोगों का हो जाएगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का BHU एग्जाम में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है 0, फिर 7, फिर 26, फिर 63 और यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में बताना है कि नंबर जो है वो क्या आने वाला है। तो आप लोग पैटर्न को थोड़ा पहचानिए, फिर इसके बाद नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए ये आप लोग देखेंगे तो ये 1 का क्यूब -1 जैसा दिख रहा है आप लोगों का, ये 2 का क्यूब -1 जैसा दिख रहा है और ये 3 का क्यूब -1 जैसा दिख रहा है और ये 4 का क्यूब -1 जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब -1 आ जाएगा। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा आप लोगों का, 125 और उसमें से 1 माइनस होगा तो 124 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो ऑप्शन ए है वो 124 है तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को इस तरीके से अच्छे तरीके से देख तक के आप लोगों को पैटर्न पहचानना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का BHU जो MCA का एग्जाम हुआ था उस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 93 है, 86 है और 79 है और 72 है और 65 है और 59 है और इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हम लोगों का रॉन्ग है। मीन्स कि इसमें कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, उस पैटर्न को वो फॉलो नहीं कर रहा होगा, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि नंबर जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो मीन्स हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 93 से आप लोगों का 86 हुआ है, मीन्स कि माइनस कितने का हुआ है, 7 हुआ है। -7 करेंगे तो 86 हो जाएगा। 86 में आप लोग -7 करेंगे तो आप लोगों का 79 हो जाएगा। उसी तरह इसमें से -7 करेंगे तो आप लोगों का 72 हो जाएगा। अब 72 में आप लोग 7 को माइनस करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि -7 करते जाना है। तो 72 में से आप लोग -7 करेंगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। और 65 में आप लोग कितने माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 50
8 होना चाहिए यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आप लोग 65 में 7 को माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और ये 5, मीन्स कि 58 होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जगह -7 -7 -7 होता जा रहा है और यहाँ पे लास्ट में जब -7 किया जा रहा है तो आप लोगों का यहाँ पे 58 आना चाहिए, बट यहाँ पे दिया कितना है 59, तो ये जो है ये रॉन्ग टर्म है। 59 के स्थान पे क्या होना चाहिए था, 58 होना चाहिए था। तो हम लोगों को रॉन्ग टर्म को पहचानना है तो हम लोग किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे कि जो 59 है वो आंसर क्या है, रॉन्ग टर्म का आंसर है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 58 होना चाहिए था। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए अगले वाले पे चलते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये BHU MCA का 2018 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आप लोगों को जो रॉन्ग टर्म है उसको फाइंड करना है और क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का 5, 12, फिर 19 है, फिर 33 है, फिर 47 है, फिर 75 है और फिर 104 है। अब इसमें हम लोग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो आप लोग करिए क्या कि सबसे पहले इसमें जो डिफरेंस है वो निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि +7 हुआ है और यहाँ पर भी आप लोगों का जो है वो +7 हुआ है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों का कितना हुआ है, +14 हुआ है। उसी तरह इन दोनों को आप लोग देखेंगे तो इसमें भी कितना हुआ है, +14 हुआ है और इन दोनों को आप लोग देखेंगे तो कितना हुआ है, +28 हुआ है आप लोगों का। ये 8 हो जाएगा और ये 2, ये +28 हुआ है और इन दोनों का डिफरेंस आप लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 14, ये 9 हो जाएगा आप लोगों का और ये 2। तो देखिए आप लोग कि यहाँ पे +7 हुआ है, यहाँ पे +7 हुआ है, यहाँ पे +14 हुआ है, यहाँ पर भी +14 हुआ है और यहाँ पे +28 हुआ है। तो यहाँ पर भी +28 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि दो टू टाइम्स जो 7 है उसको ऐड किया गया है डिफरेंस के तौर पे और यहाँ पर भी डिफरेंस के तौर पे 2 टाइम्स जो है वो 14 को ऐड किया गया है। तो उसी टाइप से आप लोगों का इसका डिफरेंस 28 है तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है उसका भी 28 आना चाहिए। तो इसके 28 डिफरेंस लाने के लिए यहाँ का जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, 103 होना चाहिए था, बट यहाँ पे दिया कितना है, 104 दिया है। तो रॉन्ग टर्म जो है वो आप लोगों का क्या है, 104 है, क्योंकि 104 जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, रॉन्ग टर्म है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का टिक हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग टर्म ही क्वेश्चन में पूछा गया है और 104 के स्थान पे आप लोगों का क्या होना चाहिए था, तो 103 होना चाहिए था, तब जाके ये जो आप लोगों की सीरीज है वो आप लोगों के एक पैटर्न को फॉलो करती। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का BHU MCA जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का उसमें आया हुआ है और क्वेश्चन में भी रॉन्ग टर्म को फाइंड करना है। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है 0, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 24 है, फिर 36 है, फिर 48 है। अब आप लोग क्वेश्चन को देख के ही आप लोग इसमें पैटर्न बता दिए होंगे कि कौन सा पैटर्न लगने वाला है, तो मैं भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर -1 है, ये 2 का स्क्वायर -1 है, ये 3 का स्क्वायर -1 है, ये 4 का स्क्वायर -1 है और ये 5 का स्क्वायर -1 है, बट यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर है, बट होना क्या चाहिए, 6 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, ये आप लोगों का 7 का स्क्वायर -1 है। तो जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है, 36 है, 36 के स्थान पे क्या होना चाहिए था, 35 होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर में से 1 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप लोगों का रॉन्ग टर्म जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट है, 36 जो है वो क्या है, रॉन्ग टर्म है, 36 के स्थान पे कितना होना चाहिए था, 35 होना चाहिए था। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का BHU MCA का जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ है और क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है 8 है, 36 है और 149 है और 596 है
और 2388 है और आप लोगों का 9556 दिया हुआ है। अब आप लोग इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए और वो नंबर को पता करिए कि इसमें कौन सा वो नंबर है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो आप लोगों को 8 से 36 पे आना है। तो आप लोग देखेंगे कि जो नंबर है वो धीरे धीरे बहुत बड़े होते जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई की सीरीज चल रही है, बट 8 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आ जाए। तो आप लोग देखेंगे कि इंटू 4 और प्लस 4 करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 36 में भी प्लस इंटू 4 और प्लस 4 करना होगा तब जाके डेट नंबर आएगा, और इस नंबर में भी इंटू 4 और प्लस 4 करेंगे तो ये नंबर आएगा, और इस नंबर में भी हमको इंटू 4 और प्लस 4 करना होगा तो ये नंबर आना चाहिए। तो आप लोग चेक करके देखिए कि क्या मैं 23 और 88 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करके और 4 को ऐड कर रहा हूँ तो आप लोगों का ये नंबर आ रहा है। तो आप लोग देखिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों का 9 हो जाएगा, और इसमें 4 आप लोग ऐड करेंगे तब 9556 आ जाएगा। तो ये नंबर आ रहा है, मीन्स कि जो हम लोग अभी पैटर्न ढूंढ लिए हैं ये जो पैटर्न है ये अभी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि किस नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, और जिस नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा वो नंबर जो है वो हम लोगों की क्या हो जाएगी, रॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो आप लोग 36 इंटू 4 करेंगे तो ये आप लोगों का 4 हो जाएगा, और 2 जो है कैरी हो जाएगी, और ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 144, और इसमें 4 को ऐड करेंगे तो 148 हो जाएगा। बट यहाँ पे दिया हुआ कितना है, 149 दिया हुआ है, होना क्या चाहिए था, 148 होना चाहिए था। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सा है, 149 है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आप लोग 148 में इंटू 4 और प्लस 4 करके देखेंगे तो 596 आएगा, 596 में इंटू 4 प्लस 4 करेंगे तो ये डेट नंबर आएगा। तो आप लोग आगे इसको चेक भी करके देख सकते हैं, मेरा काम था आप लोगों को पूरा पैटर्न बताना और उसके साथ साथ वो बता देना कि कौन सा नंबर इसमें रॉन्ग है, और मैंने वो सब बता दिया हूँ, और आप लोग आगे के जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी चेक करके देख सकते हैं। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का BHU MCA जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड आउट करिए कि इसमें से कौन सा एक नंबर है जो रॉन्ग नंबर है और वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर जो है वो दिया हुआ है 4, 11, 21, 34, 49, 69 और 91 दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए। तो देखिए पैटर्न आप लोग देखेंगे तो कुछ पैटर्न समझ में आ नहीं रहा होगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, ना तो स्क्वायर का पैटर्न लग रहा है और ना ही मल्टीप्लाई का पैटर्न लग रहा है। और वैसे तो आप लोग लगाएंगे तो कुछ भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को जब पैटर्न नहीं समझ में आए तो आप लोग डिफरेंस निकाल के देख लीजिए कि आखिर में इन सब का डिफरेंस कितना कितना है। तो आप लोग देखेंगे कि इन सब का डिफरेंस कितना है, 7, और इन सब का निकालेंगे तो कितना डिफरेंस है, 10, और इन सब का आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 3, और ये 1, 13 का, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 1, 15 का, और इन दोनों का आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2, 20 का, और इन दोनों का आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये 2 हो जाएगा, और 80 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 22 का। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब जो है नंबर वो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, मतलब कि 7 और 7 से 10 तक जाने में 3 का ऐड करना पड़ा, और 10 से आप लोगों को 13 में जाने में 3 ऐड करना पड़ा, उसी तरह 13 से आप लोगों को 15 आने तक भी आप लोगों को 3 ऐड होना चाहिए, तो 3 ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो नंबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा तो 34 और 49 का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो 16 आने के लिए 34 में आप लोगों को क्या करना होगा, 16 को ऐड करना होगा, तो ये 0 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ क्या है 49 दिया हुआ है और यहाँ पे होना क्या चाहिए था 50 होना चाहिए था। अब आगे का सीन मैं आप लोगों को अलग पेन से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आगे मैं करने वाला क्या हूँ। यदि मान लीजिए यहाँ पे 50 रहता तो 50 और ये 69 का डिफरेंस कितना हो जाता 19 हो जाता और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता 22 हो जाता। तो यहाँ पे आप लोगों का देखिए आप लोगों का ये 50 हो जाता तो 34 और 50 का डिफरेंस कितना हो जाता यहाँ पे 16 हो जाता और 16 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो पैटर्न दिख रहा है प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 का वो आप लोगों का फॉलो हो जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो इसमें रॉन्ग टर्म है वो कौन सा है, आप लोगों का 49 है और ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का 49 नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए। और आप लोग ये पैटर्न देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को पैटर्न जो है उसको अच्छे से एनालाइज करके बता चुका हूँ कि यहाँ पे 50 कैसे आएगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है ये BHU MCA जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जो रॉन्ग टर्म है उसको फाइंड करके बताना है। तो हमारे पास नंबर है 5, 7, 11, 20, 35 और कितना है 67 है। अब आप लोग इस नंबर को देखेंगे और इसमें पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो आप लोगों देखेंगे कि कोई आप लोगों को पैटर्न समझ में आ नहीं रहा है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगाना है और हम लोगों को क्या करना है। तो आप लोग यहाँ पे करिए क्या कि आप लोग देखिए ये 5 का 2 टाइम्स हुआ है, 5 का 2 टाइम्स करिए और इसमें से माइनस 3 करिए तो 7 आ जाएगा, 7 का 2 टाइम्स करिए और इसमें से 3 माइनस करिए तो 11 आ जाएगा, 11 का 2 टाइम्स करिए और इसमें से क्या करिए कि माइनस 3 करिए तो ये नंबर आना चाहिए था और इसका 2 टाइम्स आप लोग करेंगे और माइनस 3 करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए था और इसका आप लोग 2 टाइम्स करेंगे और माइनस 3 करेंगे तो 67 आ चुका है, 35 का आप लोग 2 टाइम्स करेंगे तो 70 हो जाएगा और 70 में से 3 माइनस करेंगे तो 67 हो जाएगा। और उसी तरह ये भी आप लोगों का सही है, यहाँ तक भी सही है और 11 का 2 टाइम्स करेंगे आप लोग तो कितना आएगा 22 और 22 में 3 को माइनस करेंगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और 90 का 2 टाइम्स करेंगे तो 38 में से माइनस 3 करेंगे तो 35। मीन्स कि जो 20 है 20 के स्थान पे क्या होना चाहिए था 19 होना चाहिए था। तो हम लोगों का जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सा है 20 है कि यहाँ पे 20 के स्थान पे क्या होना चाहिए था 19 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है 20 है। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला वाला भी क्वेश्चन आप लोगों का BHU MCA जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है और जो 2018 BHU का एग्जाम हुआ था उसमें आप लोगों के जो नंबर सीरीज थे उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और BHU का यही नहीं आप लोगों के जितने भी BHU के एग्जाम होते हैं उसमें नंबर सीरीज से रिलेटेड आप लोगों को 5 या 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में देता है। तो आप लोग नंबर सीरीज को अच्छे से पढ़ लीजिए यदि आप लोग BHU का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 112 है और 565 है और नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है। तो आप लोग इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि 3 × 2 और प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा, 8 × आप लोग 3 और प्लस 3 करेंगे तो 27 आएगा और 27 × 4 और प्लस 4 करेंगे तो ये देखिए 108 हो जाएगा, 27 फोर जा और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा और इसमें आप लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस को 5 करेंगे तो 565 हो जाएगा और इसमें आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करिए और 6 को ऐड करेंगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा 3396 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3396 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें आप लोग देखेंगे तो 3396 है,
तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं कि टू की मल्टीप्लाई हो रही है टू, फिर ऐड हो रहा है, थ्री की मल्टीप्लाई हो रही है थ्री ऐड हो रहा है, फोर की मल्टीप्लाई हो रही है फोर ऐड हो रहा है, फाइव की मल्टीप्लाई हो रही है फाइव ऐड हो रहा है। आप लोगों को एक चीज़ समझ लेनी है कि ये जो नंबर थे वो डायरेक्ट दो गुने तीन गुने या चार गुने फोर टाइम्स ये आप लोगों के बड़े होते जा रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई सीरीज लगने वाली है। जब नंबर आप लोगों के बड़े होते चले जाएँ तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पर आप लोगों का मल्टीप्लाई का सीरीज लगने वाला है, या तो आप लोगों का स्क्वायर या क्यूब की सीरीज लगने वाली है। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा सीरीज पहचानने का मैं बता चुका हूँ कि सीरीज कैसे पहचाना जाता है। अब चलिए अगले वाले पे चलते हैं। तो अगला एग्ज़ाम जो है वो BHU का एग्ज़ाम और 2019 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 8 है, 27 है, 64 है, 100 है और 260 है, और आप लोगों का 343 है। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये आप लोगों का 6 का क्यूब है, और ये 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे आप लोगों का 5 का क्यूब होना चाहिए था, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ कितना है, 100 दिया हुआ है, होना क्या चाहिए था, 125। तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट की जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सा है, 100 जो है वो आप लोगों का रॉन्ग टर्म है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का BHU MCA जो 2014 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ है, और क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है 160, 118 और 83, 65 और 34 और आप लोगों का 20 दिया हुआ है। अब आप लोग इसमें पैटर्न एनालाइज करिए कि कौन सा पैटर्न जो है इसमें लग रहा है। तो आप लोगों को देखेंगे तो इसमें कोई भी पैटर्न लग नहीं रहा है, ना तो मल्टीप्लाई का ना तो स्क्वायर का। तो आप लोग पहले डिफरेंस निकाल के चेक करिए। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 42 है, इन दोनों का आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो 35 है, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आप लोगों का 18 है, और इन दोनों का आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो ये 31 का है, और इन दोनों का आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है, 14 का है। मींस कि 42 माइनस हुआ है, 35 माइनस हुआ है, मतलब डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब इनमें भी आप लोगों को कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग करिए क्या कि 42 और 35 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 35 और 18 का भी डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था। बट आना चाहिए क्यों, क्योंकि इसका जब 7 आ रहा है तो इन दोनों का भी 7 आना चाहिए। तो 7 आने के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, मैं अलग पेन यूज कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए था, तो 35 में से जब आप लोग 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब 28 और आप लोगों का ये जो नंबर था, यहाँ पे नंबर जो रहता उसका डिफरेंस भी कितना आना चाहिए था, तो 7। तो यहाँ पे जो नंबर है वो कितना रहना चाहिए था, आप लोगों का 21 रहना चाहिए था, और 21 और आप लोग 14 का देखेंगे तो इसका डिफरेंस आप लोगों का 7 है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जो 83 था और 65 था, इन दोनों का डिफरेंस जो है 18 था, तो 18 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 28। तो 83 में से आप लोग 28 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो नंबर जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप लोगों का 55 आ जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो 65 दिया हुआ है, 65 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 55 होना चाहिए था। अब 55 में आप लोग 34 को माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो अभी येल्लो वाला मैं डायग्राम बनाया हूँ इसको ये फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप लोगों का 21 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस हो जाएगा, और 21 और 28 में भी 7 का डिफरेंस हो जाएगा। तो आप लोगों को ये एक पैटर्न जो है वो एक सिक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे 65 था वो क्या है, रॉन्ग नंबर है। तो आप लोगों का जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था, 65 होना चाहिए था। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो DU MCA का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दिया है 4 है, फिर 14 है,
फिर 45 है और आप लोगों का 139 है, और ये आप लोगों को बताना है कि लास्ट में जो नंबर है वो कौन सा आने वाला है। तो आप लोग सबसे पहले इसमें कोई पैटर्न पहचानने की कोशिश करिए कि इसमें कौन सा पैटर्न जो है वो लग रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो पैटर्न है वो कौन सा लग रहा है, तो 4 इंटू आप लोग क्या करिए, 3 करिए और इसमें 2 को ऐड करिए तो 14 हो जाएगा, और 4 इंटू आप लोग 3 करिए और इसमें 3 को ऐड करिए तो ये नंबर आ जाएगा, और इसमें आप लोग क्या करिए, 3 करिए और कितने को ऐड करिए, 4 को ऐड करिए तो ये नंबर आ जाएगा। देखिए ये 5 हो जाएगा और ये आप लोगों का 135 हो जाएगा, और इसमें 4 को ऐड करेंगे तो 139 हो जाएगा। मीन्स कि 139 में आप लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करनी है और 5 को क्या करना है, ऐड करना है, तो ये आप लोगों का 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का 4 हो जाएगा, और इसमें आप लोग 5 को ऐड करेंगे तो 422 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर है वो सी में देखेंगे तो 422 आ रहा है, तो जो अगला नंबर है वो आप लोगों का 422 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन को कैसे 1 बाय 1 कर रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का DUMCA जो 2019 हुआ था उसमें आया हुआ है, और क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 2 है, 7 है, फिर 14 है, फिर 23 है, फिर 34 है, और इसमें पहचानना है कि जो अगला वाला नंबर है वो क्या आने वाला है। तो आप लोग इसमें पैटर्न पहचानने की कोशिश करिए कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कुछ भी पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगने वाला है। तो आप लोग पहले इसमें डिफरेंस निकाल के देखिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, +5 हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस +7 हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस आप लोग चेक करेंगे तो प्लस कितना हुआ है आप लोगों का, यहाँ पे 9 हुआ है, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो +11 हुआ है। मीन्स कि 5, 7, 9, 11 हुआ है, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा आप लोगों का, 30 हो जाएगा। 13 को जब आप लोग 34 में ऐड करेंगे तो ये 47 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें भी 47 दिया हुआ है, तो 47 जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो DUMCA का एग्जाम था उसमें नंबर सीरीज का कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोगों को ज़्यादा हार्ड जो होते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन वो नहीं करने हैं। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है वो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम करवाती है उसमें 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दिया हुआ है 49, 94, 277 और 5503, और यहाँ पे आप लोगों को नंबर बताना है कि क्या आने वाला है, और लास्ट में दिया हुआ है 33010। अब आप लोग इसमें पैटर्न पहचानने की कोशिश करिए कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि 49 का ये 2 टाइम्स हुआ है और इसमें -4 हुआ है, तो ये नंबर आप लोगों का 94 जो है वो आया है। अब 94 से इस नंबर को लाने के लिए इनटू आप लोग 3 करिए और इसमें -5 करिए तो ये नंबर आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिए तो ये 2 हो जाएगा, और ये आप लोगों का 282 हो जाएगा, और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7, ये 2। तो आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो जो अगला नंबर होगा उसमें क्या करना होगा, माइनस आप लोगों को इसमें जो है उसमें आप लोगों को इनटू 4 करना है, और माइनस आप लोगों को कितना करना है, 5 हो गया है तो कितना करना होगा आप लोगों को, 6। तो ये आप लोगों का 8 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, और ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसमें से 6 को माइनस करेंगे तो 11, ये आप लोगों का 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आप लोगों का 8 हो जाएगा और 3 मिल के कितना आप लोगों का हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 और 0 आप लोगों का कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 1102 है। अब आप लोग क्या करेंगे कि 1102 में आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करिए, और आप लोग कितने को माइनस करिए, 7 को माइनस करिए तो ये वाला नंबर आ जाएगा, और इस नंबर में आप लोग क्या करिए कि 6 से मल्टीप्लाई करिए
और माइनस एट करिए तो आप लोगों का ये नंबर आ जाएगा। तो आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया है और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग पैटर्न के थ्रू सोल्व किए हैं इस क्वेश्चन को, तो कितना आया है 1102 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, आज का हम लोगों का जो सेशन था वो एंड हो चुका है और अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को नीम सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और आप लोगों को जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं दिए होते हैं, आप लोगों के मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आप लोग यदि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग देखिए, आप लोगों की नॉलेज तो जो है वो बढ़ेगी, बट आप लोगों के जो एग्ज़ाम में है उसका कोई यूज होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चन पूछता है। तो आप उतने लेवल तक तैयारी करिए और जो आप लोगों को समय मिलता है उसमें आप लोग जो दूसरा चैप्टर है उसको रिवाइज कर डालिए, तो आप लोगों को एक अच्छे तरीके से गाइडेंस भी मिल जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा बेकार में हाईएस्ट जो हार्ड लेवल की क्वेश्चन होती हैं उस पर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है। चलिए ओके, अगले सेशन में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।